हेलो दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैंने सोचा मैं अपने घर में कन्या पूजन कर लूं नवमी के दिन, तो मैं आज कन्या पूजन कर रही हूं। अभी कन्या नहीं आ रखी, लेट हो गया है क्योंकि सब काम करना पड़ता है घर में। अकेले आदमी को कितनी मुश्किल आती है घर में, जो अकेला होगा उसी को पता होगा कितना काम करना पड़ता है नहीं? अकेले क्या क्या करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बहुत काम हो जाता है सुबह से। तो मेरा अभी कन्या पूजन के लिए मैंने सोचा तो था सुबह ही खिला दूँगी, जल्दी से उठ के भोग बना के खिला दूँगी, पर धीरे धीरे बहुत काम हो जाता है। ऐसा भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, तो फिर मैंने कहा धीरे ही आराम से खिलाऊँगी, पहले अच्छे से सब कुछ बना बुन लेती हूँ तो फिर खिलाऊँगी। अब मेरा बन तो गया, अब मेरे कन्याएं नहीं मिल रही अभी तक। अभी आई थी घर के सामने तो मेरा बना नहीं था, तो कन्या चले गई दूसरे घर। फिर मैं रख के आ जाते हैं भोग हैं, हाँ। तो फिर जाके ये मैं मंदिर में रखने के लिए भोग लेके जा रही हूँ, क्योंकि वैष्णो देवी माँ का मंदिर है। तो मेरे वहाँ पांच कन्या पहुंच चुकी है, चार कन्या और चाहिए तो उनका इंतजार हो रहा है। तब तक मेरी कन्याएं डांस कर रही हैं, मेरी चार कन्याएं भी आ चुकी हैं। बेटा इधर से खोलो, इधर से इसका गाना लगा दो। ले पिठा में लगा। अरे नहीं रोते, चाची इसको पकड़ो, अभी शांत हो जाएगी, शांत। बड़ी मम्मी को पकड़ा दो, बड़ी मम्मी को पकड़ने का एक्सपीरियंस है। मैं तेरे को देख के और रो रही है वो। अरे तू ही लाई है ना उसको घर से। पहले लेके घूम रही है, उसका घर तो पास में ही है इसका। इसलिए मैंने कहा शारू को बुला के ला, सबसे पहले मिली तो जा ना यार। ओले ओले बच्चे सारे, मामी इसको देख लो चिढ़ाने में लगी है। थोड़ी बैठ जा, चल बैठ जा, आरती कर ले, मैं से दे आरती।